उत्तर प्रदेश के चर्चित लखीमपुर खीरी हिंसा कांड में सोमवार को एक बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से लखीमपुर खीरी हिंसा कांड में आरोपी आशीष मिश्रा मोनू की जमानत को रद्द कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से दिए गए जमानत को रद्द करते हुए गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष को एक हफ्ते के भीतर सरेंडर करने के निर्देश दिए हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा के तिकोनिया मोड़ पर 3 अक्टूबर 2021 को हुई हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्र मोनू है, जिसे बीते दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी। इस मामले पर विपक्ष की ओर से तमाम सवाल खड़े किए गए थे। वहीं पीड़ित पक्ष ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और ये कहा था कि आशीष मिश्र मोनू की जमानत को रद्द किया जाए। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे और लखीमपुर हिंसक मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र मोनू की जमानत को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार कड़ी टिप्पणियां भी की। ये कहा कि पीड़ित पक्ष की सुनवाई ठीक से नहीं हुई और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत देने में जल्दबाजी की। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को इस मामले पर फिर से सुनवाई करने के लिए कहा है। इसके अलावा आशीष मिश्र मोनू को एक हफ्ते के भीतर सरेंडर करने की मोहलत दी गई है। जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने इस मामले में 4 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले न्यायालय ने आशीष मिश्र मोनू की जमानत याचिका मंजूर करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सवाल उठाए थे और कहा था कि जब इस मामले की सुनवाई अभी शुरू होनी बाकी है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चोटों की प्रकृति जैसी अनावश्यक बातों पर गौर नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर 16 मार्च को यूपी सरकार और आशीष मिश्रा मोनू से जवाब भी मांगा था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात के निर्देश दिए गए थे कि वो लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के सभी गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।